WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की जो खबरें है दोस्तों वो काफी एक्सक्लूसिव है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों मुस्तफा अली की न्यूज के साथ। तो बहुत से लोग दोस्तों मुस्तफा अली को एज ए हैकर मान रहे हैं। मैंने भी दोस्तों यही सोच रखा है कि मुस्तफा अली ही वो हैकर है, लेकिन इसी बीच दोस्तों मुस्तफा अली का ऐसा रिएक्शन आ चुका है कि मानो लगने लगा है कि मुस्तफा अली शायद वो हैकर ना हो, क्योंकि मुस्तफा अली हो चुके हैं फ्रस्ट्रेट। तो हुआ क्या कि कल एक फैन ने कमेंट किया, एक तरीके का ट्वीट किया, जिसके अंदर वो ये चीज बोले कि मुस्तफा अली तुम्हारे तो मजे है, तुम टीवी के ऊपर नहीं हो और तुम्हें तुम्हारी पगार मिल रही है। इस पर दोस्तों मुस्तफा अली को गुस्सा आ गया, वो ये चीज बोले कि देखो सबसे बुरी चीज तो यही होती है कि जो चीज तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम पैशनेट हो, वो चीज तुम्हें ना करनी दी जाए। तुम अपने प्राइम में हो, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे साथ हो और तुम्हें एक्सपोजर ना दिया जाए। इसके बाद दोस्तों मुस्तफा अली ये चीज बोले कि वो इस चीज से काफी ज्यादा खफा है और कहीं ना कहीं दोस्तों मुस्तफा अली की बातें दिल में छेद कर रही है। दिल में छेद इसीलिए कर रही है क्योंकि दोस्तों इससे पहले माना जा रहा था कि मुस्तफा अली वो हैकर हो सकते हैं, वो मिस्ट्री हैकर हो सकते हैं, जो कि काफी समय से चीजों को टीज किया जा रहा है। लेकिन अगर वो हैकर मुस्तफा अली होते तो क्यों ऐसी बातें करते, एक बड़ा सवाल है। अब गाइज आपको क्या लगता है कि अभी भी आपको यही चीज लगती है कि वो मिस्ट्री हैकर मुस्तफा अली है या फिर कोई और है, वो कमेंट करके मुझे जो बताएगा। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों एरिक बिशॉफ से, जिन्होंने कर दी है ट्रिपल एच की बेइज्जती। ट्रिपल एच की बेइज्जती काफी समय बाद किसी ने की है। किसने की है? फॉर्मर WWE एम्प्लॉय यानी कि एरिक बिशॉफ ने। तो एरिक बिशॉफ जो कि दोस्तों इससे पहले WWE के लिए काम कर रहे थे, जो कि दोस्तों हमें स्मैकडाउन का कार्यभार संभालते हुए नजर आए थे, उनका हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर दोस्तों ट्रिपल एच को कंपेयर किए AEW के टैलेंट यानी कि MJF के साथ। एरिक बिशॉफ का कहना क्या रहा? एरिक बिशॉफ का कहना यह रहा कि MJF मॉडर्न डे एरा की सबसे बड़ी हील है। हाँ दोस्तों एरिक बिशॉफ ने तर्क ये दिया कि देखो पास्ट में ऐसा होता था कि जो हील होता था वो हील ही होता था, जो फेस होता था वो फेस ही होता था, लेकिन आज हर कोई रेस्टर कभी फेस में टर्न हो जाता है, कभी साला वो हील में तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल एच को भी ले लो, ट्रिपल एच जो है वो हील भी ऐसा ही लगता है और साला फेस भी ऐसा ही लगता है। ट्रिपल एच का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, वो सेम कैरेक्टर अदा करता है चाहे हील हो चाहे फेस। वहीं बात की जाए इस नए लौंडे की यानी कि MJF की, तो ये प्योर हील है, इसे हर कोई हेट करता है एंड उसे हेट मिलने भी चाहिए क्योंकि वो हील है और हील का यही काम होता है। तो यहाँ तो उसे एरिक बिशॉफ कहीं ना कहीं सत्य बोले हैं इस बात को लेकर कि आजकल जो रेसलर्स हैं उनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं रह गया, कभी वो हील बन जाते हैं कभी वो फेस बन जाते हैं। लेकिन ट्रिपल एच पर जो ये बातें वो बोले हैं कि आपको लगा सही है या फिर गलत, मुझे बताएगा। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली स्टोरी के ऊपर। भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो से। तो रे मिस्टीरियो के अगर आप फैन हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। दरअसल रे मिस्टीरियो की एब्सेंस का रियल रीजन आ चुका है सामने। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रे मिस्टीरियो की आंख वाकई में फूट चुकी है तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। भला दोस्तों एक स्टील स्टैप के द्वारा किसकी आंख फूटा करती है, किसकी आंख दोस्तों डैमेज हुआ करती है। वैसे भी दोस्तों WWE के अंदर ऐसी सिचुएशन इसीलिए क्रिएट की जाती है ताकि दोस्तों जो बैक स्टेज प्रॉब्लम्स होती है उसे दोस्तों सॉर्ट आउट किया जाए या फिर सिचुएशन को थोड़ा सा इंटेंस दिखाया जाए। बात की जाए रे मिस्टीरियो की तो इसमें दोस्तों ऑप्शन वन है। दरअसल रे मिस्टीरियो के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो रे मिस्टीरियो का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों जल्द ब्रीच होने वाला है और ऐसे में रे मिस्टीरियो चाहते थे कि उन्हें छुट्टियां मिले। दरअसल इन छुट्टियों में दोस्तों वो अपने बेटे यानी कि डोमिनिक को उनके अपकमिंग डेब्यू के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर एक टीजर भी गिराए थे दोस्तों, एक तरीके का टीज गिराए थे डोमिनिक, जहां वो ये चीज कहे थे कि आंख के बदले आंख जरूर ली जाएगी। सेथ रॉलिंस को उन्होंने ऐसा कहा था। तो गाइस बताया जा रहा है कि जो डोमिनिक को जल्द अपना डेब्यू करने वाले हैं और रे मिस्टीरियो चाहते हैं कि अपने डेब्यू से पहले वो उन्हें ऐसे ऐसे गुण दे जाए जो कि उनकी इन फ्यूचर हेल्प करे और इसीलिए दोस्तों उन्होंने ये छुट्टी ली है। अब बात की जाए रे मिस्टीरियो की तो 18 महीने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि अपकमिंग महीनों में दोस्तों खत्म होने वाला है। अब रे मिस्टीरियो दोस्तों क्या WWE को रीसाइन करते हैं या फिर कह देते हैं अलविदा, वो तो दोस्तों समय बताएगा, हम कुछ नहीं बता सकते। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी
जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और उनकी पत्नी यानी कि बैकी लिंच से। तो गाइस बैकी लिंच और सेथ की अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन स्टिल हमें इन्हें पति पत्नी कहेंगे क्योंकि बैकी के पेट में पल रहा है सेथ का बच्चा। अब बात की जाए दोस्तों बैकी की, तो बैकी ने दोस्तों आज ऐसी चीज की जिसने दिल को छू लिया। बैकी और सेथ ने दोस्तों मिलकर किया है वर्कआउट। अब आप बोलेंगे कि भाई वर्कआउट में कौन सी नई चीज है, तो गाइस इस बारी का वर्कआउट अलग था। दरअसल इस बार बैकी और सेथ रॉलिंस ने मिलकर अपना वर्कआउट डेडिकेट किया है जॉर्ज फ्लॉयड को, जो कि हाल ही में रेसिज्म के चलते मारे गए थे। पुलिस ने उनकी जान ले ली थी। आप जानते हैं यूएस के अंदर ये जो थिंग है काफी बड़ी बन चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों वर्कआउट के समय उन्होंने एक तख्ता लगाया, एक तरीके का बोर्ड लगाया जिसके ऊपर दोस्तों बिग फ्लॉयड लिखे हैं, आप देख सकते हैं टॉप पर, और एक तरीके की दोस्तों डेडिकेशन दी है, एक तरीके का डेडिकेट किया है दोस्तों उन्होंने अपना वर्कआउट। अब बात की जाए इस थिंग की तो काफी बढ़िया रही, और इसके तहत दोस्तों शायद और बैकी को काफी बढ़िया बड़ा कमेंट भी आ रहे हैं। हम चलते हैं दोस्तों इस नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों एक ऐसे रेसलर से जिसे आप और हम सभी मिस कर रहे हैं, यानी कि बुल्गेरियन ब्रूट रूसेफ। रूसेफ दोस्तों हाल ही में कहा जाता रूमर हो चुके हैं कि वो इंपैक्ट रेसलिंग में जाने वाले हैं, लेकिन रूसेफ के अनुसार शायद ऐसा नहीं होने वाला। तो इंपैक्ट रेसलिंग एक टीजर लॉन्च किए थे, एक ट्रेलर लॉन्च किए थे जिसके अंदर बहुत सारे WWE के रेसलर्स दिखाए जाते हैं कि फायर हो चुके हैं, और इंपैक्ट रेसलिंग ऐसा दिखाती है कि वो अब हमारी कंपनी में आ सकते हैं स्लैमवर्सरी वाले दिन। अब ऐसे में दोस्तों वहीं हमें रूसेफ का बुल्गेरियन झंडा भी दिखाया जाता है, जिससे दोस्तों रूमर्स फैल जाते हैं कि रूसेफ भी इंपैक्ट रेसलिंग में जाने वाला है। लेकिन आज दोस्तों रूसेफ ने क्या कहा ट्विच के ऊपर, रूसेफ ये चीज बोले कि देखो बुल्गेरियन झंडे का मतलब ये नहीं है कि मैं इंपैक्ट रेसलिंग में जाऊंगा, भला फैंस ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है, मैं इंपैक्ट रेसलिंग में नहीं जाने वाला। ये चीज दोस्तों उन्होंने कही तो नहीं, लेकिन उनका मतलब यही था कि बुल्गेरियन झंडे को उनके साथ ना जोड़कर देखा जाए। अब गाइज रूसेफ झूठ बोल रहे हैं या फिर सच, क्या वाकई में इंपैक्ट रेसलिंग का पार्ट होंगे या फिर दोस्तों वो अभी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और बाद में जाकर हमें सरप्राइज देने वाले हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम चलेंगे आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइज सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों एंजल गार्सा से, जिन्होंने कह दिया है कि मैं एडी गुर्रेरो से इंस्पायर नहीं हूं। तो आप जानते हैं एंजल गार्सा जो है उनका कैरेक्टर कहीं ना कहीं एडी गुर्रेरो से हमें जुड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि दोस्तों वो वैसे ही मचलते हैं, वैसे उनकी मस्तियां रहती है जैसे कि एडी किया करते थे। साथ ही साथ उनका दोस्तों कहीं ना कहीं जो फेस एक्सप्रेशन रहता है वो भी एडी से काफी मेल जोल खाता है। कई लोग दोस्तों उन्हें हील होते हुए भी चेयर करते हैं, लेकिन एंजल गार्सा के अनुसार वो एडी गुर्रेरो से रिजेंबल नहीं करते, एडी गुर्रेरो से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हाल ही में दोस्तों जो एंजल गार्सा उनका कहना ये रहा कि एडी रे मिस्टीरियो और साथ ही साथ कई रेसलर्स को वो फाइट करते हुए देखे हैं अपने बचपन में और बचपन से देखते हुए आए हैं, एडी गुर्रेरो इस दुनिया में नहीं है, और वो कहना चाहते हैं कि उनका एडी गुर्रेरो से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो एडी गुर्रेरो से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। तो एंजल गार्सा ने दोस्तों साफ कर दिया है कि अगर लोग सोचते हैं तो वो सोचते रहे, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो एडी गुर्रेरो से इंस्पायर्ड नहीं है। और गाइज हमारा कहना भी यही है कि कहीं ना कहीं एंजल गार्सा सच कह रहे हैं। और हम चलते हैं दोस्तों इससे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। गाइज इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों ओटिस और बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइज ओटिस ने कर दिया है रोमन रेंस को याद। तो आप जानते हैं रोमन रेंस COVID-19 सिचुएशन के चलते घर पर बैठे हुए हैं, वो दोस्तों रेसल नहीं कर पा रहे। ऐसे में दोस्तों ओटिस ने रोमन रेंस की सिचुएशन को डिस्कस किया स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ। तो ओटिस दोस्तों क्या चीज बोले, ओटिस ये चीज बोले कि रोमन रेंस को सभी प्यार करते हैं एंड कोरोना जैसी सिचुएशन के चलते वो फाइट नहीं दे पा रहे, ये काफी बुरी चीज है, लेकिन सब कुछ रोमन रेंस की सेफ्टी के लिए किया गया है। इसके बाद दोस्तों ये चीज बोले कि मुझे रोमन रेंस की बैकस्टेज कमी देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बैकस्टेज जब भी वो रहता था तो सभी को हंसी देता था, सबको लाफ वो देता था। रोमन रेंस एक ऐसा बंदा है जो कि टॉप पर रहकर भी काफी डाउन टू अर्थ है, उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, एंड उसका चले जाना वो भी इस तरीके से कहीं ना कहीं एक दुख देता है। आगे दोस्तों जो ओटिस है ये चीज बोले कि जब भी वो लौटेगा तो वो उन्हें हग कर देंगे, यानी कि दोस्तों वो उन्हें बिल्कुल जकड़ लेंगे अपनी बाहों में। ओटिस का कहना ये रहा कि वो उन्हें बेयर हग नहीं देंगे, यानी कि टाइट तरीके से उन्हें वो गले नहीं लगाएंगे, वो बिल्कुल आराम से यानी कि लिटिल हग उन्हें देने वाले हैं। अब गाइस बात की जाए बिग डॉग की,
तो बिग डॉग हमें जल्द अपना रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि हाल ही के इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था जब कायला ब्रैक्सटन से बात करते ये चीज बोले थे कि अब वो भी फैंस को याद करने लगे हैं, मिस करने लगे हैं। अब देखते हैं दोस्तों बिग डॉग का रिटर्न कब होता है और क्या वाकई में ओटीज उन्हें गले लगाते हैं कि नहीं। बट गाइज आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।